अभी दोस्तों, जब भी आपका कभी ना कभी फेसबुक का अकाउंट हैक हुआ होगा तो आपके पास ये वाला इंटरफेस जरूर से देखने को मिलता होगा। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते और बड़ी बड़ी वीडियोस देख लेते हैं, उसमें भी आपको बहुत कंफ्यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस फीचर का मतलब क्या है, ये आपके पास क्यों आता है और इसका मतलब क्या है अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना है। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अभी दोस्तों, इसका मतलब मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। मान के चलिए दोस्तों, मेरा अभी एक फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है, ठीक है, और बंदे ने क्या किया, ईमेल वगैरह सारा कुछ बदल दिया। बट मेरे पास ये वाला था, मैंने लास्ट बार इसमें लॉगिन करके रखा था तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर नीचे नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू देयर, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये वाला इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों, नीचे आपको दिस वॉन्ट वर्किंग, ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको ये वाला सिस्टम। एंड अभी इसका मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हो यूव अनदर डिवाइस, मतलब कि लास्ट बार जब मैंने फेसबुक अकाउंट लॉगिन किया था तो ये फ़ोन नहीं था, ठीक है, मतलब मेरा और फ़ोन था जिसमें मैंने इस फ़ोन को आईडी को लॉगिन कर रखा था। अगर मैं अभी ये जो मेरा अकाउंट तो हैक हो चुका है, मान के चलिए मैं वो वाले अकाउंट में सेम टू सेम यही प्रोसेस करूँगा तो मेरा जो हैकड अकाउंट है वो वापस आ जाए। क्योंकि दोस्तों, जब भी फेसबुक पर कोई किसी का अकाउंट हैक करता है तो फेसबुक को सब कुछ पता चलता है कि किसके फ़ोन में कितना टाइम ये लॉगिन रहा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है फेसबुक के ये अकाउंट किस बंदे का, ठीक है। तो अगर मेरे पिछले फ़ोन में ज़्यादा टाइम, एक दो साल जो मेरा अकाउंट है लॉगिन रहा होगा या एक महीना रहा होगा, तो फेसबुक को पता चल जाए कि ये बंदा इस अकाउंट का अवर्नर है, ठीक है, तो वो उसको अपना अकाउंट वापस दे देगा, समझे आप। तो अभी ये जो है मेरा अकाउंट, मैंने ऐसे ही लॉगिन कर दिया था। मेरा जो लास्ट में, अगर मान के चलिए आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो आप वही अकाउंट में लॉगिन, सॉरी फ़ोन में लॉगिन कीजिएगा जिसमें आपका पहले लॉगिन था, तो आपका जो अकाउंट है इजीली रिकवर हो जाएगा, चाहे बंदे ने फेसबुक पर आपका ईमेल पासवर्ड कुछ भी बदल दिया हो, ठीक है, तब भी आप इसको रिकवर कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा सिंपल था, लेकिन थोड़ा उलझा भी दिया होगा मैंने आपको, लेकिन मैंने आपको पूरा कोशिश किया बताने का। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।